आपको मालूम है यूथ का एक बड़ा चैलेंज है, हम उनको जॉब नहीं दे पा रहे हैं और इसकी वजह से हम उनको यानी चाहते हैं कि उनको मस्बत एक्टिविटीज़ में, स्किल्स बिल्डिंग में उनको ट्रेन कर सके। गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान का, हमारे वज़ीर आला साहब का एक विजन है कि हम उनकी डिजिटल स्किल बिल्डिंग करें, हम उनकी मोनेटाइजेशन करें, हम किस तरीके से उन्हें समझाएँ कि ये जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल आपके लिए डॉलर कमाने का ज़रिया हो सकता है, ये सोशल मीडिया आपकी लिए एक जॉब हो सकता है। इस वक्त सोशल मीडिया मार्केट या लैंडस्केप में तकरीबन 7 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। क्या हमारे जवान इस स्किल को इस्तेमाल करके उस मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट के तौर पे गवर्नमेंट एक स्किल बिल्डिंग का ये कंपेन लॉन्च कर रही है, जिसमें बिलखसूस हम प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज ले रहे हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ बोटम और इसी तरह BRSP जो नाम है, जिनकी शोहरत है, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बलूचिस्तान के लिए फ़ख्र के ज़मरे में हमारे प्राइड है, ये इंस्टीट्यूशंस, और इन्होंने ओवर द ईयर्स बिल्ड किए अपने इंस्टीट्यूशंस को। आज ये हमारे साथ टीम अप हो रहे हैं, इस MOU के ज़रिए हम जो हमारा गवर्नमेंट का विजन है और इनका भी पैशन है, बिलखसूस जो उनकी लीडरशिप है, हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, जो वाइस चांसलर हैं मोहतरम, उनका बड़ा माशाल्लाह इस हवाले से विजन है, क्लैरिटी है, उन्होंने बड़ा काम किया है। हमारे BRSP के लीडरशिप में अगेन ताहिर साहब बड़े मायानाज नाम हैं, अभी ये गए थे, उन्होंने पूरे एशिया पैसिफिक का अवार्ड जीता था, जो फिर हमारे बलूचिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। ये हमारे बलूचिस्तानी के एक शख्स का ये अवार्ड जो है उन लोगों को मिला है जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड BRSP के हवाले से, BRSP की खिदमत के हवाले से ताहिर साहब को मिला है, और इसीलिए CM साहब ने इनको वेलकम भी किया था अपने ऑफिस में, और हमने ये एजाज़ भी हमें मिला है कि हम उनको वहाँ पर वेलकम कर सके। तो मैं क्विकली आई विल हैंड यू नो ओवर माई माइक टू डॉक्टर साहब फर्स्ट, कि वो कुछ अल्फाज कहें एंड देन ताहिर साहब आपके साथ मुखातिब हूँ, प्लीज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की और इज्जत की बात है कि इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक और हमारे अपनी BTOM के विजन के मुताबिक इस MOU पर साइन कर रहे हैं हम लोग, जो बलूचिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए हमारे यूथ, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको मदद मिलेगी। हम उनके लिए जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे इसके थ्रू। हमारे अभी भी जो ग्रेजुएट्स हैं BTOM के, वो कुछ जगहों पर सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो काम कर रहे हैं, वो अभी से फ्रीलांसिंग के ज़रिए $1,000-1,200 पर मंथ अभी से कमा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला जो है बलूचिस्तान में रोज़गार की कमी का है, और नौजवानों को जब तक हम रोज़गार के लिए आगे बढ़ाने के लिए स्किल, उनकी तरबियत और स्किल जो है उसको बढ़ावा नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए फ्यूचर, हमारा बलूचिस्तान का वो जो हमारी नई दुनिया की जो सोचे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ ले जाने के लिए बड़ा अहम किरदार है। और BTOM इस सिलसिले में एक उम्मीद है बलूचिस्तान की, हमारे नौजवानों की एक उम्मीद है। अभी कल ही हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइना के रोड एंड बेल्ट के साथ साइन किया है सर, कि जिसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर हमारी रिसर्च BTOM में शुरू होगी। तो ये भी बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, हम BRSP के साथ काम कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी का सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने के लिए, हम वाटर मैनेजमेंट के साथ वाटर रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी के तवसत से एक और जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं आज, और ये बड़ा खुशी का, और मेरा ख्याल है कि ये जो ना फ्यूचर बिल्डिंग के लिए, बलूचिस्तान की फ्यूचर बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो उसके लिए जो ना हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जान साहब, और मैं सबसे पहले तो ये जान साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, इन्हीं का आइडिया था, जब ये तशरीफ़ लाए मेरे ऑफिस और ये चीज़ें जब डिस्कस की, तो इन्होंने कहा कि आप इसके साथ, हमारे साथ क्यों एसोसिएट नहीं होते। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेरी इनोवेटिव आइडिया,
और ये ट्रांसफॉर्म करेगा जो हमारी डिफरेंट किस्म की स्किल्स को भी, और डेफिनेटली जो जो हमारे पास डिफरेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट होंगी। अब हमारा इनके साथ एसोसिएशन का एक जो इसमें वैल्यू एडिशन होगी, पहले ये सिर्फ शहरों तक सेंट्रिक होते थे इस किस्म के प्रोग्राम, कोटा तक महदूद हो गए, खुजदार तक महदूद हो गए, लेकिन चूँकि BRSP 28 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इंगेज करें, मोटिवेट करें जो रूरल यूथ है और जो नौजवान हैं गांव के देहात के, ताकि उनको मौका मिले इस किस्म की इनिशिएटिव्स के अंदर पार्टिसिपेशन का। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव किस्म का और बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान डिपार्ट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने लिया, और ये हम इनके साथ मिलके इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगे। इसमें शुरू में कुछ चैलेंजेस होंगे जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के और बाकी चीज़ों के, वो भी इंशाल्लाह हम मिलके जो है रिसोर्स भी मोबिलाइज करेंगे। और फ़ख्र की बात यह है कि एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर मौजूद है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स को आप इनकरेज करें, और अगर आप भी मासेस में इसके बारे में अवेयरनेस दें, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसको जो है वो शायद इसको स्टार्ट करने में कामयाब भी हो जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत इज्जत दें। नाउ आई इनवाइट यू एक्सेलेंसीज टू साइन द MOU सो दैट इट बिकम अ मोर फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।